नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टार इंडिया न्यूज 19 देश की आवाज और मैं हूं मंशा श्रीवास आपके साथ। आज नागपुर के मेकुसाबाग स्थित मेथोडिस्ट हाई स्कूल के ग्राउंड पर मिस नेशन के कंटेस्टेंट्स और रोटरी क्लब नागपुर नॉर्थ की टीमों के बीच एक बॉक्स क्रिकेट का मैत्री मैच आयोजित किया गया। मिस नेशन के आयोजक दिनेश मिश्रा के अनुसार ब्यूटी पेजेंट में किया गया ये प्रयोग पूरी तरह से सफल रहा। क्रिकेट मैच के इस मैत्रीपूर्ण आयोजन के अवसर पर मुख्य अतिथियों के तौर पर डॉक्टर मनीषा भावतकर, बैडमिंटन नेशनल प्लेयर, नलिन शाह जनरल मैनेजर क्लीनऑल, हशु अंबवानी प्रेसिडेंट रोटरी क्लब नागपुर नॉर्थ और मनीषा मंघानी सेक्रेटरी रोटरी क्लब नागपुर नॉर्थ को प्रमुख तौर पर आमंत्रित किया गया था। क्रिकेट के इस रोचक मुकाबले के अंत में मिस नेशन की टीम ने बाजी मारी तथा नेशनल बैडमिंटन प्लेयर डॉक्टर मनीषा भावतकर के हाथों विजेता टीम को ट्रॉफी प्रदान की गई। रोटरी क्लब नागपुर नॉर्थ की टीम को भी प्रोत्साहन के तौर पर पुरस्कार प्रदान किया गया। मिस नेशन ब्यूटी पेजेंट के अंतर्गत आज यहां पर एक बड़ी रोचक क्रिकेट मैच हमें देखने मिल रही है, जो कि रोटरी क्लब नागपुर नॉर्थ और मिस नेशन के जो कंटेस्टेंट है उनके दरमियान खेली जा रही है। आप देख सकते हैं यहां पर कि बॉलिंग और बैटिंग बड़ी खूबसूरती से की जा रही है और यहां पर बहुत ही अच्छे लेवल की जो कमेंट्री भी यहां पर हमें सुनने को मिल रही है। मिस नेशन के मुख्य ऑर्गेनाइजर दिनेश मिश्रा जी हमारे साथ हैं और उन्होंने बहुत ही फैंटास्टिक आइडिया एक निकाला है जिसमें कि क्रिकेट मैच रखा गया है मिस नेशन के अंतर्गत। तो आइए जानते हैं उनसे विस्तार से इस क्रिकेट मैच के बारे में। सर बताइए, इतना सुंदर आइडिया आपको आया कहाँ से? ये आइडिया मेरा नहीं है, ये दीपाली मैम और कोरियोग्राफर का आइडिया है हमारे। मैं तो जनरली स्पोर्ट्समैन हूँ, मैंने क्रिकेट खेला है काफ़ी स्टेट लेवल पे और बट लेकिन हम लोग ने ये डिसाइड किया कि इतने सालों से हम लोग खेल रहे हैं, इतने सालों से इवेंट कर रहे हैं तो ग्लैमर और स्पोर्ट्स का, वैसे भी जैसे आप सभी को मालूम है कि ग्लैमर और स्पोर्ट्स का एक अच्छा कॉम्बिनेशन होता है, तो क्यों ना जब सारी लड़कियाँ यहाँ आई हुई हैं ऑल ओवर इंडिया से और तो उनका और रोटरी क्लब ऑफ नागपुर नॉर्थ जो कि सोशल पार्टनर है उनका एक मैच कराया जाए, तो आइडिया नहीं करना चाहिए कि बट उनको मोटिवेट करना मेरा एक काम था कि थोड़ा सा एक्सरसाइज हो जाती है, थोड़ा सा मूड चेंज हो जाता है, थोड़ा सा स्पोर्ट्स करेंगे तो ग्लैमर से थोड़ा सा दिन भर वो प्रैक्टिस जो ग्लैमर में जो स्टेज रिहर्सल हो रही है सब, तो वो स्पोर्ट्स करके वो रिफ्रेश हो जाएंगे। तो ये मेरी आइडिया थी कि वुमेन्स का क्रिकेट करने के लिए मिस नेशन वर्सेज रोटरी क्लब ऑफ नागपुर नॉर्थ। सर स्पोर्ट्समैन स्पिरिट्स के द्वारा ये कंटेस्टेंट के बारे में कुछ जजमेंट भी हो रहा है इस मैच के देखते हुए, मैच को लेकर? नहीं, इसमें जजमेंट स्पोर्ट्स के लिए नहीं है, ये जस्ट फन के लिए ये थोड़ा सा रिफ्रेश होने के लिए, थोड़ा सा एक्सरसाइज के लिए, थोड़ा सा स्ट्रेचिंग के लिए, उसके लिए ये। सर स्टार इंडिया न्यूज 19 से बात करने के लिए धन्यवाद, थैंक यू। मिस नेशन जैसे ब्यूटी पेजेंट में क्रिकेट को इंट्रोड्यूस कराया गया है, ये आपको कैसा आइडिया लगता है? ये बहुत अच्छा आइडिया है और दिस इज़ द फर्स्ट टाइम आई एम वॉचिंग एनी क्रिकेट इवेंट, एनी स्पोर्ट्स इवेंट इज़ इंक्लूडेड इन द पेजेंट। एक्चुअली स्पोर्ट्स, फिटनेस, ये सारी चीज़ें, रिक्रीशन, इट्स वेरी नेसेसरी फॉर द पेजेंट इवेंट, क्योंकि लड़कियों को इतना स्ट्रेस रहता है स्पेशली इन द पेजेंट, तो ये एक स्ट्रेस बस्टर है और ऑर्गेनाइजर्स ने इतना अच्छा इवेंट ऑर्गेनाइज किया है। गर्ल्स बहुत अच्छा खेल रही है, दे आर एन्जॉइंग फाइनल राउंड के पहले, तो स्ट्रेस बस्टर बहुत ज़रूरी है। तो मैम नेशनल लेवल का इवेंट है नागपुर में, इस बारे में आपकी क्या राय है? नेशनल इवेंट हो रहे हैं, अभी कोरोना की वजह से लास्ट 2 इयर्स में नहीं हुए हैं, तो डेफिनेटली नागपुर में स्पोर्ट्स का बहुत अच्छा स्कोप रहेगा और इट इज़ हैपनिंग एज लाइक मिस नेशन, और भी इवेंट्स होंगे, अभी ये रिप्रेजेंट करेंगे तो और भी बहुत सारे इवेंट्स होंगे, तो इट विल बी नाइस, गुड फॉर नागपुर ऑल्सो। थैंक यू मैम, स्टार इंडिया न्यूज़ 19 से बात करने के लिए, थैंक यू वेरी मच। सर मिस नेशन एक ब्यूटी पेजेंट है, उसमें एक एक्सपेरिमेंट किया गया है क्रिकेट मैच का, जिसमें कि रोटरी क्लब नागपुर नॉर्थ की एक टीम है और एक ब्यूटी पेजेंट में जो कंटेस्टेंट है उनकी टीम है, तो इस कॉम्बिनेशन को आप कैसा देखते हैं सर? रोटरी क्लब ऑफ नागपुर नॉर्थ इस ब्यूटी पेजेंट में हम साथ में हैं एज अ सोशल पार्टनर। इस क्लब को जो हम सालों से चला रहे हैं, हमारे क्लब के मेंबर हैं दिनेश मिश्रा जी और दीपाली मिश्रा जी, जो इस ब्यूटी पेजेंट को ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, और हमने ये सोचा कि एक क्रिकेट के थ्रू हम अपने क्लब के लेडीज़ को इस ब्यूटी पेजेंट में इन्वॉल्व करें।
होता क्या है, इस अट्रैक्शन से काफ़ी लोग रोटरी में जुड़ते हैं और मेनली रोटरी का उद्देश्य ये है कि सोशल सर्विस करना और लोगों को जितना हो सके सहायता प्रोवाइड करना। जैसे पेंडेमिक हुआ तो पिछले साल पेंडेमिक में हमने काफ़ी काम किया, जैसे एक NMC के साथ मिलके रोटरी ने एक कॉल सेंटर चलाया जो काफ़ी लोगों को हेल्प मिली। बाकी कोई हमारे क्लब सेक्रेटरी हैं मनीषा जी, भी इनके भी कुछ व्यूज़ आप साथ में ले लीजिएगा जी। मैम बताइए रोटरी की एक्चुअल सोशल ड्यूटीज़ किस तरीके से की जाती है और किस तरीके से मेंबर्स काम करते हैं, ये सारी बातें बताइए मैम। सो रोटरी का मेन उद्देश्य है सर्विस अबव सेल्फ, और हम लोग बहुत सारे एवेन्यूज़ में हम लोग प्रोजेक्ट्स करते हैं, जैसे वुमेन एम्पावरमेंट, जो ये मैच का आप देख रहे हो इट्स अ प्रॉपर एग्जांपल ऑफ वुमेन एम्पावरमेंट का ही हिस्सा एक है। उसके बाद यूथ का हमारा है, वोकेशनल है, स्किल डेवलपमेंट है, कम्युनिटी सर्विसेज है, हमारे मेडिकल सर्विसेज है, हमारा रोटर किड्स का एक डेवलपमेंट है। सो हम सब डायरेक्टर्स मिल के अलग अलग एवेन्यूज़ में मिल के We always try to provide good service to the society. And उसके साथ हमारा friendship and fellowship भी जुड़ा हुआ है। So उद्देश्य main यही है service above self and friendship and fellowship. ये रोटरी का मेन उद्देश्य है। मैम सर हमारे चैनल की तरफ से रोटरी क्लब को वेरी गुड लक फॉर फ्यूचर, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। ऐसी ताज़ा खबरों की अपडेट के लिए आप देखते रहिए स्टार इंडिया न्यूज़ 19 और हमारे चैनल को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब करें।